बुजुर्गो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज असी तुहाडे सामने तुहाडा भरा तुहाडा बुजुर्ग तुहाडा हर दिल अजीज हाजी नासर साहब जिहड़ी कैंपेन अज तो दो माह पहला असी शुरू की गई उसका नतीजा लैके अज असी तुहाडे सामने खड़े हैं। इत्थे यह जीत हाजी नासर साहब की जीत नहीं है, यह जीत मिलने वाले तुहाडी जीत है। अल्लाह रब इज्जत अज यह मुकाम तुहानू दित्ता होया तो मैं अपने रब उत्ते पूरा पूरा यकीन रखता इस गल्ले दा कि आने वाला वक्त खुदा ताला बेहतरी का वक्त लैके आवे तुहाडे साडे सारे दे वास्ते। जिस तरीके दे नाल तुसीं अज इत्थे साडा इस्तकबाल कीता होया वाह खुदा दिल मोह लिया है तुसीं मेरा। मैं लिलिया का तो अपने वालक के वक्त का कायल हाँ लेकिन उस वक्त मैं एडी मेहमान नवाजी वेखी कौन आई। अज मैं तुसा तकाई है वो जड़िया चीज़ा मैं सुनता हूं आया अज मैं अपनी अखी वेख ली। मैं एक गल जिस वक्त असा इलेक्शन शुरू किया तो उस वक्त गल् की पैदा कि इन्होंने को है कि असं भारी फेरते स चुरलू फेरते स ये करते सूँ सा के जवाब दो भारी कि गई तो चुरलू कि गया। खुदा खुदा रब इज्जत उन्हों का साथ देता जेडे नीयत से साफ होवन जिन्हें नीयत भी खोट हो रब कभी उसका साथ नहीं देता। नीयत साफ आई अल्लाह की जात सानू मुकाम दोबारा वापस दिता जिहड़ा एक महीना पहला साढ़े कोलो खो लिया गया लेकिन लेकिन अल्लाह ताला ने मंजूर कोई ना वो मुकाम असा दोबारा एक महीने के विच अपना वापस खो लिया वै अल्लाह ताला की मेहरबानी दे नाल। मैं बाकी हुण इतनी गुजारिश कर सकिया कि हाई साहब तुहाडे नाल दो अल्फाज आखन थोड़ा शुक्रिया अदा करें क्योंकि जिस तरीके जिस तरीके 14 तारीख के इलेक्शन के मुतहद यकजहती का इजहार करते वोट आई साहब इनकास किया उसकी मिसाल भी बखुदा नहीं लगती। आख्या वैंदा हुंदा कि पता नहीं कौन कौन के हो गया आई साहब शायद 3000 वोट भी ना लै सकन 5100 की लीड मैं चाहिए अल्लाह ताला उतो सन भेजी है डायरेक्ट। खुदा ताला यही ईमान यही यकीन है जरा मुतहद पाने थोड़ा यह कायम रखे इजाजत दसो खुदा रब ने जो थोड़े तमाम दोस्तों बुजुर्गों का हम ही अनासर हो इंतहाई ममनून ते मशकूर हाँ ऐ दिला आलियां दा इन्हें सारी इज्जत बख्शी है पूरे तसीर ने बख्शी है पूरे थल ने बख्शी है लेकिन बिलखसूस ऐ दिला इस वास्ते आखदा कि मैं उधर डर इस वास्ते कोई नहीं कि ये आखदे पियां हुण पहला इलेक्शन तो बाद दूई बार इस लड़ना कोई नहीं दूई बार लड़िया तो फिर उधर चले गए
मेरी बार दरखास्त में दी है काउंटिंग कराई जाए वो नहीं हुई, उन्हें दरखास्त दी है रीकाउंटिंग हो गई है तो मैं उसे ऐलान किया मैं तुझे दो बार कह दूं मैं त्री बार लड़ने वास्ते तैयार ना सीखा ना डरना सीखा ना हेठ लगना सीखा यारां दे यारां यारी निभाना लिया और मिलिया तो खून में असल खून है जेड़ा पिछे हटदा नहीं जिस नाल है उस नाल सिद्ध होकर चलता है। सीट आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मानत नून दा इनादी शफकत है नवाबजादा साहब जी जिस जिन्होंने सन इलाका थल की नुमाइंदगी दी है इस तरह एक बार भरपूर नारा दे तालियां हो जाए इन्हें साढ़े इतमाद किया इतबार किया इन्हें शफकत की इन्हें मेहरबानी की नुमाइंदगी दी तो अस भी हलाली बन गए जिस तरह तुसा साढ़ा साथ दिता शायद पूरे इलाके थाल की एक मिसाल है कि पिछली दफा 4800 की लीड हूँ 5500 की लीड और इंशाल्लाह ताला चलना भी है बाकी साढ़े मसायल नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दिता दुआ करो दो सीटों का फर्क है पंजाब हुकूमत बन जाए इंशाल्लाह हुकूमत बन गई तो दाने जनाब किसा बंदे गिला शिकवा और तो लाके जनाब जित तक नजर पौंदी है जनाब इंशाल्लाह ताला तुलकर खिदमत कर साला दी फिर थोड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ सारे भरावान का जितने आए थल तो तशरीफ लैन कंदवाल तो टोबा तो लीला तो जड़े जड़े नाल साढ़े रैली च आए और बिलखसूस नवाब दादा मतलू मेहदी साहब का इतनी मसरूफियात होने के बावजूद पूरा हर रोज रोजाना की बुनियाद जिस काउंट रीकाउंटिंग होती रही है गिनती होती रही है रोजाना की बुनियाद है सुबह तो लाके शाम तक उथे डेरे लाई रखे पूरी तवज्जो पूरी मेहनत इलेक्शन कंपेन में भी थल उस अलावा जालबा सारी जना भरपूर जिस तरह अपना इलेक्शन तो ज्यादा इन्ना मेरे इलेक्शन को मेहनत की मैं तय देना मुश्किल कि थोड़ी मेहनत का ही नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूमत ना दी होने के बावजूद वफाक भी जो ना दी पंजाब भी जो ना दी तो मैंने आज यहाँ लोग पैसे पे जाया कर मैं कहनी फकीर निकल सी मेहरबानी के नाल थोड़ी कोशिश के नाल मेरे रब ने करम किया हार तस्लीम करने भी मर्द होंगे ना करनी चाहिए यकीन करो मैं उसकी जगह हो भी आदमी उसने हार पवाने मेरा है तू मुबारक है चार धड़े सन की सीटा दिता उसने निकला कख नहीं लेकिन कोई गल नहीं साढ़े भाई साहब एक गल है हाजी साहब एक गल है पूछ लेना कि बाद वोट कराइए अब पूछ लेना बड़ी मेहरबानी